नमस्कार, मैं सोनी ओझा, स्वागत है आपका NN24 न्यूज में। बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। एबी फिल्म्स एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनने जा रही छत्तीसगढ़ की एक सच्ची घटना पर आधारित बॉलीवुड फिल्म हिमोलिफ द इनविजिबल ब्लड बनने जा रही है। यह फिल्म 27 मई को देश के 200 से अधिक सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म 11 जुलाई 2006 को हुई मुंबई ट्रेन बम विस्फोट पर आधारित है। विस्फोट के बाद छत्तीसगढ़ के एक शिक्षक वाहिद शेख की मुंबई में गिरफ्तारी हुई थी। उस पर कड़ी धाराएं लगाई गई थी। इस फिल्म में उसी शिक्षक वाहिद शेख और उसके परिवार वालों के संघर्ष को दिखाया गया है, जिसमें वह अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए उसकी जहोज्जत को दिखाया गया है, जिसके बाद आखिरकार 9 साल जेल में रहने के बाद उन्हें आखिरकार बाइज्जत बरी कर दिया गया। इस फिल्म को बनाने के लिए करीब 11 महीनों का लंबा रिसर्च किया गया, जिसके बाद इसके सभी किरदारों के चयन हुए। होमोलिव इसी ताने बाने के बीच बनी एक फिल्म है। फिल्म में वाहिद शेख की भूमिका रायपुर के रियाज अनवर ने निभाई है। फिल्म में नायिका की भूमिका बॉलीवुड अभिनेत्री रुचिका जाधव ने निभाया है। एक 10-11 घंटे तक उन्होंने मुझे एक रूम में लॉक कर दिया था, तो उस समय मुझे एहसास हुआ कि जो इंसान 9 साल तक रहा है तो उसके साथ क्या बीतती होगी। वो सारी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की, वो मैंने फिल्म में डालने की कोशिश की। मुंबई ट्रेन से मैं ट्रेवल कर रहा था, उसी 100 रुपये और 100 रुपये के शर्ट और 100 रुपये के पैंट में जिस तरह से वाइफ सर पहना करते होंगे वैसा पहन के मैं डेली ट्रैवल करता रहा था, वो एक्सपीरियंस लेने के लिए जो उनका लाइफ एक्सपीरियंस रहा होगा। ये सारी चीज़ें हमने कोशिश की और फिल्म काफ़ी अच्छी बनी। इस नाम में ये फिल्म की पूरी कहानी है। एक आम इंसानों को रिप्रेजेंट करने वाली ये कहानी है, जिनका बहा खून सब लोगों को दिखता नहीं है, उस खून की ये कहानी है। हिमोलिम्फ क्या है ना, मैं जो हूँ एक ऐसे तबके से आता हूँ जहाँ पर हम लोगों को हमेशा उच्च लोगों के द्वारा देखा नहीं जाता, अनदेखा किया जाता है। तो जब मैंने वाहिद जी की कहानी पढ़ी तो मैंने अपने आप को उनके अंदर देखने की कोशिश की और उसी वजह से उनकी कहानी मुझे अपील हुई और हम सब लोगों ने मिलकर ये प्रयास किया, उनकी सत्य घटना सारे समाज के लोगों तक लाने की कोशिश की। मुझे बहुत अच्छा लगा। आई फील दैट आई एम ब्लेस्ड इनफ दैट आई एम द पार्ट ऑफ दिस फिल्म। एक अच्छे कंटेंट का मैं एक पार्ट हूँ, इसका मुझे बेहद अभिमान है और आई एम डैम श्योर कि अपनी इंडियन जनता को 27 मई को फिल्म रिलीज़ हो रही है और इंडियन जनता बिल्कुल सराहेगी इस फिल्म को और उनको ये बहुत पसंद आएगी फिल्म।